ओडिया एजुकेशन पॉइंट चैनल ले आपन समस्त को स्वागत। आज आम षष्ठ श्रेणी साहित्य बहर प्रथम अध्याय वर्षा कविताटर प्रश्न उत्तर आलोचना करवा। तेरे पाने आज आम तुम साहित्य बहर वर्षा कवितार प्रश्न उत्तर आलोचना करवा। तेरे चलो आम अभ्यास कार्य करवा। तेरे देख अभ्यास कार्यर एक नंबर निम्नलिखित प्रश्न गुड़िकर उत्तर कह। ताले क प्रश्न कौन देला ना वर्षरे केतोटी ऋतु आसे। तो पिला माने समस्ते प्राय जानिथिबो वर्षक केते ऋतु वर्षर वर्षक ताले 6 ऋतु ना। तो कौन लिखिबो ना वर्षरे 6टी ऋतु आसे। तेबे ऋतु गुडीकर ना कौन कौन निश्चय भाबरे जानिथिबो तुम्हें माने ना। ताले हमर जो 6टी ऋतु ताले कौन कौन ना से गुडीकर ना ग्रीष्म वर्षा शरत हेमंत शीत आउ बसंत ऋतु। ताले यही 6टी ऋतु आमर वर्षक होई थाए। तापर देख ख प्रश्न ग्रीष्म ऋतु पर केउ ऋतु आसे। ताले ग्रीष्म ऋतु पर आमर कौन वर्षा ऋतु आसी थाए। तापर देख ग प्रश्न मेघ माने केउठी मिलित हुवंती। ताले कहले देखि पिला माने मेघ माने केउठी मिलित हुवंती ना मेघ माने शून्य पथरे बा आकाशरे मिलित हुवंती। तुम्हें माने आकाशरे देखिथिबो केते मेघ सबु भासु थाई ना। तो से माने सबु आकाशरे मिलित हुवंती। तापर देख घ प्रश्न पृथ्वी सूर्यंक उत्तापरे केते मास उत्तप्त थिला। ताले पृथ्वी सूर्यंक उत्तापरे केते मास उत्तप्त थिला ना 8 मास। ताले लिखि देबा पृथ्वी सूर्यंक उत्तापरे 8 मास उत्तप्त थिला। तापर देख मो प्रश्न खद्य तो केते बेले उड़ी बुले। तो पिला माने खद्य तो कौन तो जानिथिबो ना आमर जो जुड़ी जुड़िया पक तुम्हें माने देखिथिबो राती रे गछ गुड़ी करे सब लाइट गुड़ी को दप दप हो थांती ना। तो से माने केते बेले बाहरंती ना से माने संध्या समय रे उड़ी बुलंती। तो एठी लिखि देबा उत्तर रे ताले खद्य तो संध्या समय रे उड़ी बुले। तापर देख 2 नंबर प्रश्न उत्तर लेख। देख क प्रश्न देला मेघ माने किपरी भावरे जल वर्षा कले। तेबे मेघ माने किपरी जल वर्षा कले ना तार उत्तर होउछि महाशून्य रे मेघ माने बिजुली घड़घड़ी सहित मिलित होई भीषण शब्द रे वर्षा करे। तापर देख ख प्रश्न गर्जंती आवरण पाणी एठारे किए गर्जिबा कथा कहा जाइछि। तो ए कविता रे गर्जिबा कथा माने कहा को कहा जाइछि ना गर्जंती आवरण पाणी एठारे कवि बेंग गर्जिबा कथा कहिसंती। तो वर्षा ऋतु रे केउ माने गर्जी थांती बा कौन राव करिथांती ना बेंग माने ना। ताले एठारे कवि बेंग गर्जिबा कथा कहिसंती वर्षार गर्जन शुणी बेंग माने जलाशयर चतुर्पार्श्वरे रही गर्जन बा राव करिथांती। तो पिला माने बेंग माने किपरि रावंती ना के कटर करुथांती ना। तापर देख ग प्रश्न एही कविता रे कहा को राजा बोली कहा जाइछि। ताले ई कविता रे कहा को राजा बोली कहा जाइछि ना पृथ्वी को हला बा मही को। ताले आमे लिखि देबा एही कविता रे पृथ्वी बा मही को राजा बोली कहा जाइछि। तापर देख घ प्रश्न वर्षा ऋतु को सकल ऋतुंकर सार बोली कवि काहि की कहिचंती। ताले एहार उत्तर हेउछि वर्षा ऋतु रे धरा बा पृथ्वी शस्य संपदरे परिपूर्ण होई जाए। वर्षा ऋतुर जलदान फल रे विभिन्न प्रकार खाद्य शस्य उत्पन्न होई थाए। फल रे प्राणी और उद्भिद जगतर जल कष्ट खाद्य भाव दूर होई थाए। तेणु कवि वर्षा ऋतु को समस्त ऋतुंकर सार बोली कहिसंती। ताले पिला माने जानिथिबो तुम्हें वर्षा ऋतु रे कौन सब हुए ना वर्षा ऋतु रे मुख्यतः आमर धान चाष आरंभ करा जाए ना। तो आम खाद्यर मूल किए मैंने आमर मुख्य खाद्य कौन ना भात। तो से आमर धान निहाती आवश्यकता धान चाष ता सहित विभिन्न प्रकार सब पनीपरिया चाष करा जाए था यही ऋतु रे। तापर देख मो प्रश्न मयूर कहा को चाहिँ नृत्य करे। तो पिला माने मयूर कहा को चाहिँ कि नाची थाए कहिले देखि ना मयूर गिरि शिखर रे थिबा मेघ को चाहिँ नृत्य करे। एबे देख 3 नंबर प्रश्न सरल भाषा रे बुझाई लेख। क प्रश्न कौन देला ना महिमंडल दुख चाहिँ जल छाड़ा तस होई।
तो एबे आमे कौन करिबा ना सरलार्थ लिखिबा। तो केमती लिखिबा तुम माने सरलार्थ लिखि जानिथिबो निश्चय। तो आमे लिखि देबा देख। तो देख पिला माने आमरो जो प्रश्न देथिला महिमंडल दुख चाहि जल छाडिला तस होइ ताकु एभुडिया डॉट 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 करि लिखि दिया जाय प्रथमे ना। तो देख उक्त पद्यांशटि भक्त कवि जगन्नाथ दासंकर रचित वर्षा कवितारु उद्धृत। पृथ्वी दुख देखि मेघ किपरि जलदान करे ताहा एठारे वर्णना करा जायछि। ग्रीष्म ऋतु परे वर्षा ऋतु आसे। वर्षा पूर्वरु पृथ्वी आठ मास धरि प्रचंड सूर्यतापरे कष्ट भोग करुथाय। वर्षा ऋतुरे मेघ जलदान करि पृथ्वीकु शस्य श्यामला करे। जीवजन्तुंकर जल कष्ट ओ खाद्य कष्ट दूर होइथाय। शून्य आकाशव्यापी मेघमाने चारिआडे घटि जान्ति। सूर्यताप फळरे धरापृष्ठरु आठ मास धरि जलबाष्प होइ शेष होइजाइथाय। वर्षा ऋतु आसिबा क्षणी सूर्यतापर कष्ट दूर हुए। पृथ्वी दुख देखि मेघ जल दान करे फळरे पृथ्वीरे जीवजगत तथा उद्भिद जगत संतोष लाभ करती। घोर गर्जन करी बिजुली और घड़घड़ी सहित मेघमाला जल वर्षा करी थांती। तो पिला माने एभुडिया आमे सरणार्थ लिखि देबा। तापर देख ख प्रश्न देछि अल्प नदीए पुरिले लहरी मते उछुड़िले। तो एहा उपरे एबे आमे सरणार्थ लिखिबा बा सरल भाषा रे एई वाक्य दुईटी को बुझेकि लिखिबा। तो कौन लिखिबा अल्प नदीए उछुड़िले ताहले देख एभुडिया आमे लिखि देबा प्रथमे प्रश्नटी को हैला। तो देख उक्त पद्यांशटी भक्त कवि जगन्नाथ दासंकर रचित वर्षा कवितारु उद्धार करा जायछि। वर्षा कालरे छोट छोट नदी गुड़िक किपरि जलपूर्ण होइ उछुड़ी पड़ी ताहा कवि एठारे वर्णना करिछन्ति। वर्षा ऋतुरे चारिआडे अनवरत वर्षा होइथाय। वर्षा जल लाभ करी प्राणी जगत तथा उद्भिद जगत आनंदित होइथान्ति। जुड़ुजुड़िया पक माने संध्या बेले चारिआडे उड़ी बुलंती। मेघर भयंकर गर्जन पुणी बेंग माने जलाशय चारिपाखरे थाई गर्जन करिथान्ति। छोट छोट नदी जलरे भरी जान्ति। नदीर गर्भ पूर्ण होई बड़का जल कूल लंघन करे फलरे बन्या देखा जाए। लहरी सहित छोट छोट नदी गुड़िक उछुड़ी उठि दुई कूल को छुई थान्ति बा कूल लंघन करिथान्ति। तो पिला माने ताहले तुम्हें माने तो जानिछ वर्षा ऋतु रे प्रचुर वर्षा होइथाय ना। तो वर्षा हवा फल रे कौन हुए ना वर्षा जल कौन आमर जो प्राणी जगत वर्षा जल पाई आउ ए जो उद्भिद जगत एमाने सब कौन ना बहुत आनंदित होइथांती बा खुशी होइथांती। एवं जुड़ुचुड़िया पक माने सब संध्या बेले चारिआडे उड़ी बुलंती हैला। जेतेबेले आमर आठ मास धरिकि कौन भीषण गरम होइथाय ना। तो तापर जेतेबेले वर्षा आसे हैला वर्षा आसले टिके आमर पाग कौन थंडा होइ जैथाय ना। तो सेतेबेले संध्या रे जुड़ुचुड़िया पक माने कौन उड़ी बुलंती। एवं मेघर भयंकर गर्जन हैला वर्षा हेले मेघ बहुत गर्जन करिथाय ना घड़घड़ी होइथाय बिजुली मारिथाय। तो ता संगरे पुणी बेंग माने आमर जो जलाशय चारिपाखे जलाशय माने जोठी जल पूर्ण होइकि रहिथाय हैला। तो वर्षा दिन रे कौन जिते सब खाल डीप थाए सब पानी रे पूर्ण हो जाए। तो से जलाशय चारिपाखे थी सब केकटर राब करती। एवं छोट छोट जिते सब नदी रही थाए सबू पानी रे पूर्ण हो जाए थाए। एवं नदीर गर्भ पूर्ण हो बड़का जल कूल लंघन कै। एवं जितेबले अधिक वर्षा हुए कौन हुए ना नदी नदीर जल पूर्ण होना हो जाए थाए कूल लंघन कै माने कूलरु बाहरी आसी थाए बा बन्या ही थाए। तापरे कौन हाँ छोट छोट नदी गुड़िक उछुड़ी उठि दुई कूल को छुई थांती बा कूल लंघन करिथांती। तो जेतेबेले नदी गर्भ पूर्ण हो जाए तापरे बन्या होई थाए। देख ग प्रश्न छतु जे छत्र प्राय होई राजार प्राय दिशे मही। तो पिला माने एबे आमे दुईटी वाक्य बाई पद दुईटी रो ए पदटी रो आमे सरलार्थ लिखिबा। तो कौन लिखिबा तो जो भड़ा लेखा जाए भड़ा लिखि देबो प्रथमे ना। तापरे देखो
उक्त पद्यांशटी अति बड़ी जगन्नाथ दासंक लिखित वर्षा कवितारु उद्धृत। वर्षा ऋतुरे कवि पृथ्वी को राजा सहित किपरि तुलना करिछन्ति ताहा एठारे वर्णित होइछि। ग्रीष्म ऋतु परे पृथ्वी रे वर्षा ऋतु विराजमान करे। वर्षा ऋतुरे पृथ्वी शस्य श्यामला होइ उठे। वर्षा पानी पाई पृथ्वी नाना प्रकार शस्य राशि परिपूर्ण होइथाय। क्षेत्रे फसल को देखि कृषक मनरे आनंद जात होइजाय। एही ऋतुरे विभिन्न शस्य सहित चारियाडे छतु गुड़िक छता परि फुटी थाए। राजांकर मस्तकरे पाट छता शोभा पाइला परि पृथ्वी राजांकर मस्तकरे छतु गुड़िक छता परि शोभा पाइथाय। ए प्रकार दृश्य देखि समस्ते आनंद अनुभव करन्ति। वास्तवरे कविंकर एही तुलनात्मक प्रकृति वर्णनाटी खूब हृदयस्पर्शी होइपारिछि। एबे देख 4 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित पद्यांशरे खाली थिबा स्थानकु बही देखि पूरण कर। तो देख क प्रश्न देला प्राणी जीवन डेश डेश चित्तरे बरसी तापर खरे दिछि देख डेश शस्य राशि एणे डेश मही डेश। तो आम बही पढ़ी कौन करिबा ना एही डेश गुड़ी पूरण करिबा बा शून्य स्थान गुड़ी को पूरण करिबा। ताले देख एठी ताले एठी मु शून्य स्थान पूरण कर दिछि। एबे पढ़ी देबा प्राणी जीवन जल राशि करुणा चित्तरे बरसी तापर ख नाना प्रकार शस्य राशि एणे पूरित मही दिशे। एबे देख 5 नंबर एही कवितारे सूर्य और पृथ्वी शब्द पाई अन्य जेउ शब्द गुड़िक व्यवहार करा जाइछि ताहाकु लेख। तो एही कवितारे सूर्य पाई कौन व्यवहार होइछि ना सूर्य पाई रवि। सूर्यर अन्य नाम होउछि रवि हैला। आउ पृथ्वी पृथ्वी पाई कौन व्यवहार होइछि ना मही आउ मंचपुर। ताहले एठी मु लिखि देली देख सूर्य पाखरे रवि हैला लिखि दिछि एवं पृथ्वी पाई मही मंचपुर। तापर देख 6 नंबर प्रश्न बरसा शब्दर गद्य रूप वर्षा सेहीपरि निम्नलिखित शब्द गुड़िकर गद्य रूप लेख। देछि शबद गरजी बरसी ग्रीष्म तपत अल्प। तो यार आम गद्य रूप लेखिबा। तेबे देख एठी मु पद्य रूपरु गद्य रूप को लिखि देछि। ताले एठी कोन ना शबद होउछि शब्द तापर गरजी गरजी होउछि गर्जी बरसी होउछि बरसी से भाया ग्रीष्म होउछि ग्रीष्म तपत होउछि तप्त अल्प होउछि अल्प। एबे देख 7 नंबर तले दिया जाइथिबा शब्द गुड़िकर अर्थ सूचाउथिबा शब्द को बंधनी मध्यरु बाछि लेख। ताले प्रथमे देला कोन मंचपुर मंचपुर ताले एहार अर्थ ताले जो कठोरी भितरे देछि अनको मध्यरु कोउटा ठीक हबो स्वर्गपुर पातालपुर मर्त्यपुर एमानको मध्यरु कोउटा ठीक हबो ना मंचपुर होउछि मर्त्यपुर। तापर देख अच्छी भुंजंती भुंजंती ताले एठी बंधनी मध्यरे देछि भोजन करंती भोग करंती भरण करंती ताले भुंजंती होउछि भोजन करंती हैला। तापर देख मंडुक ताले मंडुकर अर्थ कौन साप बेंग मयूर कौटा ठीक हम ताले मंडुक होउछि बेंग हैला। तापर देख निशामुख निशामुखर अर्थ कौन ताले एठी देछि सकाळ संध्या बेळ राति ताले कौटा ठीक हम निशामुख होउछि संध्या बेळ। निशा होउछि कौन रात्रि माने रात्रिर आरंभ ताले संध्या हेले जे कि राति आसी थाय ना तेणु याकु निशामुख कहा जाइछि। एबे देख 8 नंबर प्रश्न आठ को जेपरी अष्ट कहा जाए सेहीपरी निम्नलिखित शब्द गुड़ी को कौन कह लेख। ताले नौ नौ को कौन कह नौ को कहब नव ना तो नौ को नव कह सात को कौन कह कह देख पी मैंने सात को कह सप्त है तो से भाला छु कह षा छि षष्ठ तापर एगार को एकादश एकादश ना ताले ये भाया कह देख आम 9 नंबर करवा प्रत्येक धाड़ी रे तीनोटी एक जातीय शब्द सहित गोटे भिन्न जातीय शब्द मिसी रही भिन्न जातीय शब्द टी चिह्नट कर लेख। तो ये देखिए देख करे वर्षा बिजुली गिरीशिख पवन ताले कौटा अलग हम ताले अलग हम कौटा ना आमर गिरीशिख हैला।
गिरी शिख कौन? गिरी हूँ कौन? ये जो पहाड़ शिख हूँ अग्र है पहाड़ बा पर्वतर अग्र जोटा आर्षा विजुड़ी पवन एम एका है जमी वर्षा हेले कौन हुए वर्षा विजुड़ी पवन एका सांगे आसता कि गिरी शिखटा अलग हे तापर देख ख मंडूक मयूर छतु खत्यत ताले यू अलग कौटा हम ना मोर छतु छतु ताले अलग हम तो पाने ये तुम अभ्यास कार्य सर ये तुम्हें कम देगुड़ाक तुम्हें करजे है तो आशा करीडियोटी तुमको भल लगी पाठगुड़िक भल भाव बुझीपार आदि भिडियोटी भल लगी था तेरे भिडियोटी को लाइक कर आउ तुम सांग शेयर मध्य करिबो आउ आम चैनल को सब्सक्राइब करदेव रोचे नमस्कार।